नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक माँ बाप अपनी कितनी मेहनत से अपनी बेटी की शादी की तैयारी करता है और काली रात में चोर उनकी मेहनत पर पानी फेर देता है। जी हाँ दोस्तों, यह दुखद घटना जिसे सुनकर हर कोई के मन में तकलीफ होगी। वह सोचेगा कि इंसान कितना नीचे गिर चुका है जो इस हद तक गलत काम करता है। जिस घर में बजनी थी शादी की सहनाई, उस घर में चोर की वजह से बज रही रोने की सहनाई। आपको बता दें, बहादुरपुर थाना के अंतर्गत उज्जवल पंचायत के तरोनी गांव में शादी के घर से 2 लाख कैश, सोने के गहने को लूटा। जब परिवार के लोगों से हमारे पत्रकार महोदय ने बात किया तो उन्होंने बताया कि रात के करीब 11:30 बजे खाना पीना खाकर हम सभी सोने के लिए चले गए, लेकिन सुबह जब उठे तो मानो कोई नशीली चीज का सेवन कर लिया हो। सुबह उठते ही माथा घूम रहा था, वह बोतल भी वहां पाई गई, जिसके बाद पता चलता है कि चोर दरवाजे को काटकर अंदर घुस के घर में रखे 2 लाख रुपए, जेवरात, बच्चे के एग्जाम के डॉक्यूमेंट भी चुरा ले गए। वहीं उन्होंने कहा कि पैसे निकाल कर जब वो आई थी तब कोई भी उसका पीछा तो नहीं कर रहा था, लेकिन रात में करीब एक लड़का घर के बाहर इधर उधर कर रहा था, उनकी बड़ी बेटी ने देखी। वहीं आपको बता दें, उस परिवार का दर्द सुने जिसकी बेटी की शादी है और उसके घर में चोरों ने आतंक सा मचा के रख दिया। रात में 11:30 बजे रात में सुतल बुझलिया, ओकरा बाद से 4 बजे भोर में उठले, देखे फाटक टाटल टूटल टाटल रह, बउआ हमर कहल के टूटले घर में चोरी भेलिय, सामान सब घटना हमर गेले के। बस क्या क्या चोरी हुआ उसमें? सामान में चोरी भेलन के, पायल गेले के, कान के फूल गेले, सिकरी गेले, लड़का का उठी गेले, चेन गेले, 2 लाख रुपया गेले, बउआ एडवांस 10,000 दुकान पर से उठा कर लेके से गेले, बउआ का ब्रेसलेट गेले, कपड़ा लत्ता गेले, पढ़ाई के कॉपी किताब के जे परीक्षा कर ले। जब आप सवेरे में उठे अजान के बाद फाटल फूटल रहल के, अच्छा उस समय क्या लग रहा था? मतलब आप सर उठलिए भोर में तो सिर भारी के तरह लगल, क्या सब पूरे परिवार का? हाँ, सब आदमी उठलिए हल्ला जे के लिए, बउआ सब उठले, सब माथा पकड़ना, माथा पकड़ना, सिर भारी के तरह लगल एकदम। हाँ, कि माई गे सिर भारी लगे छो, निशा के तरह देह हाथ लगे छो, एकदम सब बच्चा सब सब बैठल ये काने रोए लगल, सब लोग देखल पूरा अंगड़ा लगल दुनिया में, जहने देखल अंगड़ा लगल एकदम, जब देखल डोलची हमारे ना है बस खाली जा पीटे के उसी डोलची में सारा सामान था। हाँ, वही में हम सब रखना रहे जी, पांचों बैग वही में हमारा। इतना कुछ घर में था क्या? आपके घर में किसी तरह का, क्या आपके घर में किसी तरह का फंक्शन था जो इतना रुपया इतना गहना था? कोई कार्यक्रम था? शादी था क्या? हमारे बेटी का शादी था क्या? बड़की बेटी का शादी है 20 तारीख का, फाइनल था क्या मिलाना, सब कुछ करके दिन तीन निकाल के सब बात करके तब यहाँ सामान घर मान लिए। ये पैसा आप कहाँ से निकाले थे? पैसा निकाले जन लक्ष्मी बैंक से निकाले हैं पैसा। अच्छा, उसका कागज पत्र सब दुलचिए में था, सब कुछ दुलची सहित गायब हो गया। क्या वो जब पैसा निकाले तो कोई ऐसा आदमी पीछा उछा कर? पीछा नहीं किया हमारे, कोई पीछा नहीं किया, हम 7:30 बजे वहाँ से पैसा लेकर सामान लेकर हम आए, हमारे कोई पीछा नहीं लगा, वहाँ से सीधे घर आए, घर में पैसा रखे, बाल बच्चा खाना बनाया, खाए, इससे मारे खेला, खेल के पैसा सब व्यक्ति गिन के फिर रख के तब सोते हैं। तो अभी तो जैसे 11:30 बजे सोए, उसके आसपास शाम से कोई इधर कोई ना? हमारे बेटी कहता कि मम्मी के दो एगो लड़का यहाँ पर लो कि गेट लग भाग गेलो, फिर एगो लड़का झांकी मार लगा भेग चल गेलो। तो वो पहचानती है उस लड़के को? नहीं पहचाने छे बउआ, नहीं पहचाने छे कौन रहा, नहीं यहाँ पर हमरा ऊपर। अगर उसके सामने में खड़ा किया जाए तो क्या वो उसको पहचान सकेगी? हाँ, वो पहचान ले तब, वो कथिक रंग के शर्ट पिन्हैया, कहे छे कि मम्मी को ऐसा लड़का का हम देखो तो हम पहचान लेबो। हाँ, वो कहे छे 10:30 बजे रात में बच्चा सब से मार खेलते रहो, वो लड़का 2 बार आप डन खेला। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ ललिता। हाँ, देवी। ये कौन सी जगह है? ये किला घर तरोनी पर है। इस कमरे में आप सोए हुए थे जी? क्या क्या लेके गया आपका सामान? मेरा पैंट शर्ट है, जीन्स में बेल्ट है, पर्स है, रुमाल सारा चीज था, घड़ी था, बैलेंस केट था, सब लेकर के चला गया। कमर में का डराडोर भी तोड़ दिया गया। तो आपको पता नहीं चला? जी नहीं, कुछ नहीं पता चला। जब सुबह में हम 4 बजे करीब उठे हैं तो उस समय माथा जो है कुछ भारी सन का बुझा, उस समय कुछ होश नहीं बुझा रहा था। अच्छा, उस समय खाली यही सो माथा बुझा रहा था कि हम सो जाए, खाली जता ही सोने का मन कर रहा था, उस समय माथा पूरा भारी भारी बुझा रहा था। रात को क्या बजे सोए? रात में सोए हम 10:30 बजे करीब सोए।